अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुस्कान मेरेकल्स। कैसे हैं आप सब? ईद मुबारक आप सबको, और आई होप कि आप सबकी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजर रही है, अभी भी गुजर रही है, बिकॉज़ इट्स थर्ड डे और आपको आज ये वीडियो थर्ड डे को देखने को मिल रही है। चले जी, आज हमने क्या बनाया था जी गाइस? तो जो आपको अभी वीडियो देखने को मिल रही है, इसकी स्पीड मैंने थोड़ी स्लो कर दिया, बिकॉज मुझे आपसे बात भी करनी है, आपको समझाना भी है रेसिपी। अच्छा, ये हमने ना सेकंड डे ट्राई की थी। फर्स्ट डे हमने वही सिंपल नमकीन गोश्त और ये वाली चीज़ें जो है कबाब वगैरह वो मैंने बनाई थी, वो कई दफ़ा चैनल पर भी अपलोड हो चुकी हैं, तो वो मैंने अपलोड नहीं की। ये हमने नई बिल्कुल चीज़ हमने कल ट्राई की थी, ठीक है, सेकेंड डे ऑफ ईद, जो कि आपको आज वीडियो मिल रही है। अच्छा, इसमें हमने बनाया था दम पुख्त और हमने बीफ से बनाया था, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें कि मैं और मेरा भाई बेसिकली मिल के काम कर रहे थे, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा काम मेरा भाई कर रहा है, बिकॉज मैं वीडियो बना रही थी। अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले ना, अच्छा मेरे से ना एक क्लिप मिस हो गया शुरू वाला, सिंपल हमने एक देगचा लिया बड़ा सा, और उसके अंदर जो है सबसे पहले आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली आप पीसेस को कट कर लें, जितना आप बड़ा रखना चाहते हैं जितना छोटा रखना चाहते हैं। और आपने ना, हमने इनको बीफ़ को रख लिया, बोनलेस था मोस्टली, और तो वो वाली हमने चूज़ की है जिनमें ना चर्बी वगैरह हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, प्याज कट कर लिए, आपको नज़र आ रहा है एक प्याज के जस्ट चार पार्ट जो हैं वो हमने किए, इसी तरह एक टमाटर के भी चार पार्ट्स लंबाई में किए। आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टली काट लें, हमने वर्टिकली कट किया। हमने फिर ग्रीन चिलीज़ ले ली, उनको सेंटर से कट करके रख दिया है, जो कि अभी रख रहा है मेरा भाई। और इसके अलावा जो आपको वो लहसुन और अदरक नज़र आ रहा है, जो आपको ये अंदर सेंटर में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा लहसुन जो है वो भी अभी हम साइड्स पे ना बिल्कुल इसके ना देखचे के रख लेंगे, ठीक है। अभी ये हरी मिर्चों को ऐसे रख रहे हैं, आपने प्रॉपरली जैसे बीफ रखा ना, तो उसके साथ ऐसे प्याज रख देने, उसके ऊपर साथ ही टमाटर रख देने, ऐसी अरेंजमेंट बहरहाल आपने बना लेनी है। अच्छा जी, साथ ही फिर आपने लहसुन रख लिया, हरी मिर्चें सेंटर से कट लगा के आपने रख ली, अब आप पे डिपेंड करता है आप जितनी रखना चाहें। और इसके अलावा अभी जो है ना लहसुन, आई थिंक सो, हाँ जी, साइड पे रखा था उसने, और वो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फिर आपने क्या करना है कि वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि इसमें ना इसको अंदर ही गोश्त से ही गलाया जाता है, थोड़ा सा घी ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, मतलब गोश्त के साथ जो भी चर्बी वगैरह लगी हुई होती है उसी से ही ये रेडी होता है। अब ये देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये ना, अब हम यहाँ पे नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो अभी जो है इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, घी ऐड करेंगे। घी क्यों हम ऐड करेंगे, ताकि जो है इसमें ना पानी आपने कुछ भी नहीं डालना, और उसको पकाना कैसे वो भी सारा बताती हूँ। तो आपने ना इसको क्या करना, हमने भी नेट से बहुत सी वीडियोस देख के वहीं से हमने ट्राई किया है, ठीक है, कोई हम एक्सपर्ट नहीं है इसके, लेकिन ये है कि बहुत बहुत अच्छा बना है नेट से वीडियो देख के। ओके, क्या किया हमने कि थोड़ा सा इसके अंदर घी ऐड कर लिया, और वो भी अभी आपको दिखाएंगे घी ऐड करके। आपने सिंपल बस ये ऐड करके रख लेना है, और ये साथ जो है ना अभी लहसुन के जवे जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। ओके, तो मोस्टली ये ना इनको साइड पे भी रखना होता है और सेंटर में भी रखना होता है, ताकि ना लगे ना गोश्त आपस में। तो इसमें हम जब घी ऐड करेंगे, और इसको सिंपली आपने 4 घंटे के लिए रख देना है, और जिस तरह रखना है लो फ्लेम पे दम दे के। और दम कैसे देना है आपने कि देगचे के ऊपर आपको आटा लगाना पड़ेगा, आटा लगा के उसको कवर करना है, ताकि अंदर से बिल्कुल स्टीम ना निकले। अब हमने जो क्या फ़ेस किया था, हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या क्या कब कब खोल खोल के उसको देखते रहे, वो मैं आपसे सारा ही शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल में रियल रिव्यूज़ जो वो होते हैं ना, ओरिजिनल रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़, वो रिव्यूज़ दूँगी। अच्छा, ये अब जो है इसके अंदर घी ऐड हो रहा है, जो कि मेरा भाई ऐड कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा ऑब्वियसली मर्द ऐसे ही काम करते हैं, तो बट इट्स गुड कि अगर आपके साथ भाई या अबू भी मिल के काम कर रहे होते हैं, और यू नो एक अच्छी चीज़ भी बन जाती है, और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा गुजरता है, और उन लोगों को भी थोड़ी सी चीज़ें आनी चाहिए ना। अब जैसे बाद में जो है मेरे भाई को अब चीज़ें आती होंगी, तो मेरी भाभी मेरा शुक्रिया अदा करेंगी कि हाँ जी आपने उनको सिखाया हुआ था। सो जोक्स अपार्ट, अच्छा जी, तो ये जो है सारा घी अब ऐड हो गया, ठीक है। आप सिंपली इसके ऊपर बस डाल दें, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इसमें कोई भी वो मसला नहीं होता कि इसमें ना, हम ये समझ रहे थे कि जैसे अगर हमने इसको रख दिया था ना, जैसे ही दम प्रॉपरली वो जो दम देते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और वो सारा करके अभी ये घी थोड़ा थिक वाला भी ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ना हमने मतलब उनको ये समझा था कि इसको अगर हम रख देंगे तो ये लग जाएगा, नीचे से लगना ना शुरू हो जाए, और हमें इसको देखना चाहिए, तो इसलिए हम 1-1.5 घंटे बाद ही इसको खोल के बैठ गए थे। पूरा आटे से, वो गुंधे हुए आटे से ना उसको कवर करना होता है ना, साइड्स पर देखचे पे सारा लगाना होता है। इसका ही फ़ायदा है इसमें दम पुख्त की, बात ही यही है कि आपने
काटा लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ आपका ये जैसे अभी लग रहा है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको ना लाइक वो सही जो अंदर सारी स्टीम है वो बाहर निकलती रहेगी। अब हमने क्या किया कि एक दफ़ा आटा लगा लिया, फिर 1.5 घंटे बाद हमें हुआ कि अच्छा हम 1.5-2 घंटे हो गए, अब देख लेते हैं क्या पता हो चुका हो, पीसेज उतने बड़े नहीं हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें माइंड में थी कि लग ना जाए और ये वो। अच्छा हमने ना खोल लिया इसको, हमने जब खोल लिया तो ऑब्वियसली दोबारा आटा उस तरह नहीं लगता, अभी तो ये लग रहा है ना, मतलब मैं बाद की बात आपको बता रही हूँ। अच्छा अभी हमने दम पर रखना है इसको जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, तो मैं आपको बात की बात बता रही हूँ कि इसमें हमने क्या किया कि हमने फिर खोल के जब देखा तो वो नहीं गला हुआ था, लेकिन ये कि सही था। और चूँकि गोश्त अपना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ हुआ था उसके अंदर, तो फिर इसलिए आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बस चुप करके आपने 4 घंटे के लिए इसको लगा देना है ऐसे। अभी देखें, अब इसके ऊपर भी हम पहले ये इधर आटा लगाए और अब इधर भी आटा ऊपर भी लगेगा ताकि बिल्कुल स्टीम ना निकले। और ये जो देखते हैं कि ऊपर वो जो एक होल सा है इसके ऊपर भी हमने आटा लगाया था, ये देखें जी सॉरी। तो यूँ करके इसको प्रॉपरली हमने करके और यूँ दम दिया था तवा रख के, और प्रॉपर लो फ्लेम पे इसको दम दे के, और अपने जो भी ऊपर चीज़ रखनी है वो लगा के आप रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रॉपरली दम दिया था। अब जब हमने प्रॉपरली बहुत दफ़ा खोला, बंद किया, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद हमने एक दफ़ा दोबारा इसके ऊपर आटा लगा के रख दिया कि आपने बस सिंपली 4 घंटे के लिए रख देना है और उसको भूल जाना है, चलें ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटे के लिए रख दें, ठीक है। एक दफ़ा अगर आटे को आपने खोल दिया तो वो दोबारा वो वाली उसके अंदर स्टीम नहीं बनेगी। और ये देखें जब पक गया था तो ये उसके बाद का क्लिप है जो कि को काफ़ी लेट रेडी हुआ था, तो इसलिए थोड़ी रोशनी भी कम आ रही है। तो ये मैं आपको चेक भी करा रही हूँ कि बहुत बहुत मज़े का बना था ये, फाइनल उसकी शक्ल है जो बन गई थी, जो कि आपको भी नज़र आएगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा टेंडर, मज़े का, जूसी सा, और कोई वो नहीं कि ड्राई हो गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सही सॉफ्ट था, सही जो है ना वो बॉयल होकर गल चुका था, ठीक है। और ये देखें तो वो जो प्याज टमाटर थे वो खुद ही यूँ ही हो गया, हमें कोई ग्राइंड नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ग्रीन चिलीज़ और हर चीज़ यूँ अंदर सारा कुछ गल गया। ऑब्वियसली 4 घंटे की बात है तो उसमें इतना अच्छा हो जाता है। तो ये देखें जी, ये हमारा रेडी हो चुका है, चूँकि बहुत रात हो गई थी तो स्टीम की वजह से सारे मसाले की अच्छी सी ना वो एक टेस्ट डेवलप हो गए अंदर तक बीफ में आता है। तो ये थी इसकी फाइनल लुक, और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने सिंपली 4 घंटे के लिए रख देना है और फिर उसको भूल जाना है और उसके बाद एक ही दफ़ा खोलना है, हमारी तरह बार बार खोल के नहीं देखना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, मेहनत करें तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलता है। तो ये जी फिर हमने खाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।